स्वरूप और आप लोग देख रहे हैं बलिराम डिजिटेक एंड एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि KVMS प्रो के थ्रू CP+ DVR में कोई वाईफाई अडाप्टर लगाकर कैसे आप विदाउट नेटवर्क के देख सकते हैं। नेटवर्क की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास DVR है और वाईफाई अडाप्टर है तो आप विदाउट नेटवर्क के अपना मोबाइल में देख सकते हैं, और जब भी आप इंस्टॉलेशन करने जाएं तो वो अडाप्टर लेकर जाएं साथ में। ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 850, 900, 1100। और अगर यदि आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो 875 रुपये समथिंग कुछ लगता है इस डिवाइस को ख़रीदने में, वायरलेस अडाप्टर जो आप DVR के पास कहीं प्लग पॉइंट में लगा देंगे और वहाँ से लैन केबल लगा देंगे। लैन केबल लगाने के बाद जो राउटर है वो ओपन में ही रख देंगे आप, अगर पासवर्ड डालना है तो डाल देंगे। वैसे तो उसमें नेटवर्क यूज होता नहीं है इंटरनेट का, तो पासवर्ड डाल के कोई फ़ायदा नहीं, कोई यूज करके भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको DVR का पासवर्ड ऑलरेडी डालना है इसमें, ओपन ही रख देंगे उसको। तो जब भी आप इंस्टॉल करने जाएँ तो ये अडाप्टर ज़रूर साथ में लेकर जाएँ, आपको बहुत आसानी होगी इंस्टॉल करने में। जैसे कि 100 मीटर 90 मीटर वायरिंग करनी है आपको, और 90 मीटर दूर जाकर वहाँ कैमरा सेट करना है, पोजीशन सेट करना है, कौन सी पोजीशन में सेट करना है, आप अकेले ही खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसका मेथड बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है और कैसे लगाया जाता है इसमें लैन केबल के थ्रू, और IP एड्रेस कैसे डाला जाता है इसमें। तो मैं इसी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आगे और नया नया वीडियो बनाऊँगा, नया नया टेक्नोलॉजी लाऊँगा। टेक्नोलॉजी के आजकल कमी नहीं है, कोई भी आइडिया लोग कहीं से ना कहीं से आइडिया निकाल ही लेते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, छोटा सा स्क्रीन आता था कैमरे के लिए, और उसमें हम जो DC सप्लाई आता था कैमरे के लिए वो लगा देते थे, और उसका BNC पिन उसमें लगा देते थे कैमरे के पॉइंट में। तो हम देखते थे कि कैमरा क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, और वहीं से सेटअप करते थे। तो वो उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आजकल हमारे पास एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड है तो हम क्यों नहीं एंड्रॉयड का फ़ायदा उठाएं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ खरीद के अगर हम लगा देते हैं DVR में इंस्टॉल करने से पहले, कॉन्फ़िगर करने से पहले। तो लगाने के बाद कॉन्फ़िगर जब कर देंगे हम तो ऑटोमेटिक हमारे मोबाइल में दिखेगा और हम इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इसी का प्रोसेस मैं चालू कर रहा हूँ कि कैसे आप लोग को इंस्टॉल करना है वाईफाई अडाप्टर और उसका IP एड्रेस कैसे डालना है। ठीक है, गाइस यहाँ पे मैं कैमरा रखा हूँ जिससे मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा था, और ये मेरा लैपटॉप है, और ये सब वाईफाई है। अभी वाईफाई फ़िलहाल नहीं लगाया हूँ, लैपटॉप से भी डिस्कनेक्ट किया हुआ है, सब कुछ पूरा डिस्कनेक्टेड है। देख लीजिए ये मेरा DVR है, DVR के बैक साइड में एक लैन केबल लगाया हूँ, लैन के थ्रू। ये लैन कहाँ गया हुआ है देख लीजिए, ये लैन गया हुआ है अडाप्टर के पास, जो यहाँ वाईफाई अडाप्टर लगा हुआ है देख लीजिए, वाईफाई अडाप्टर नया है, बिल्कुल नया ही अडाप्टर लगाया हूँ। इसके नीचे लैन अवर वैन का ऑप्शन है, और इधर रीसेट बटन भी है। छोटा सा डिवाइस है दोस्तों, आप ज़रूर खरीद सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार ख़रीद लेंगे आसानी हो जाएगी आप लोग को इंस्टॉल करने में, 2-4 लड़कों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले ही खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस यही है कि आपको सबसे पहले GCM में क्लिक करना है,
कैमरा में जाइए आप, कैमरा में जाने के बाद आपको तीन पॉइंट जो है, तीन लाइन है, वहाँ पे क्लिक करना है और डिवाइस मैनेजर में जाना है। डिवाइस मैनेजर में देखिए मेरा एक स्वरूप होम नाम से सेव किया हुआ है, जो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, नया से मैं आप लोगों को ऐड करके दिखाता हूँ। ये मैं नया से ऐड कर रहा हूँ। इंस्टा ऑन नहीं करना है, आईपी डोमेन करना है, वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। तो आईपी डोमेन में जा रहा हूँ मैं। आईपी डोमेन में हमें सबसे पहले यहाँ नाम लिखना है, मैं स्वरूप होम लिख देता हूँ, स्वरूप होम लेन, लेन पब्लिक वाईफाई, वाईफाई ठीक है। एड्रेस में डाल देता हूँ डीवीआर के, आपका जो डीवीआर है, डीवीआर का आईपी आपको मालूम होना पड़ेगा कि कितना उसका आईपी है। जैसे कि मेरा डीवीआर का आईपी है 192.168.1.103। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट डीवीआर का आईपी होता है, कोई भी डीवीआर हो, 108 होता है लास्ट में, 192.168.1.108 रहता है। तो मैं 103 बना रखा हूँ। और एक बात बताता हूँ कि आपके जो आईपी है डीवीआर का, वो चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरत भी पड़ सकता है चेंज करने का, क्योंकि आपका जो वायरलेस राउटर है, वो राउटर का भी आईपी सेम रहता है, तो आपको चेंज करना पड़ सकता है। जब आईपी उसमें से ऑटोमेटिक आईपी ले लेता है वैसे, तो अगर यदि आईपी ले भी लेता है, तो अभी आपको आईपी यहाँ पे वो डाल देंगे, सेम रहता है 103.108, डिफ़ॉल्ट आईपी ऐसा ही रहता है। जैसे कि मैं पासवर्ड डालता हूँ, एडमिन का एडमिन ही रहेगा ये पासवर्ड। यहाँ पर लाइव व्यू में मेन कर देता हूँ ताकि मुझे क्लियर दिखे, यहाँ पे भी मेन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे स्टार्ट लाइव भी कर देता हूँ। नेम इनवैलिड बता रहा है, मैं इसको स्वरूप लेन कर देता हूँ। पासवर्ड शायद मैं गलत डाल दिया हूँ। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन हो गया, अब कहीं से भी देख सकते हैं आप। थोड़ा सा स्लो आ रहा है, शायद वाईफाई में प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा स्लो है, जस्ट 2 सेकंड, ज़्यादा नहीं। अब देखिए मैं जा रहा हूँ बाहर, बाहर से मैं अंदर भी आ गया और मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ। दूसरे रूम में आ गया, यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ। मुझे कहीं पे भी वायरिंग करना हो, मैं इसमें से देख के कैमरा पोजीशन सेट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं पोजीशन सेट करने जा रहा हूँ अभी, देखिए मुझे पोजीशन सेट करना है, अगर मैं कैमरे की पोजीशन सेट कर दूंगा इसी तरह। अगर पोजीशन सेट हो गया ठीक है, आप दूसरा कैमरा के पोजीशन सेट करने जा पाएंगे आप। ये मैं पोजीशन सेट कर दिया दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है चेंज करने का।
मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को। ठीक है, जय हिंद।